ऊपर उस दिन गीत गा रहा था, कुछ बातें बोल रहा था मैंने, कहा राम को जब वनवास हुआ तो किसी भी रामायण में अलग अलग उल्लेख मिले, लेकिन ये कहीं उल्लेख नहीं मिलता है कि राम से कहा होगा तुम दक्षिण में जाओ। राम से किसी ने कहा तुम दक्षिण में जाओ? वनवास हुआ था, उत्तर में चले जाते शांति से रहते। राम को वनवास हुआ था, चित्रकूट में शांति से रहते। राम ने खुद ने फटे में टांग फंसाई, वो जरूरी थी। राम को पूरा देश एक करना था, रामई वो राष्ट्र देवा। हम शंकर की बात करें, मैं चाहूंगा शिवरात्रि कल निकली है, शिवरात्रि कल निकली है, हम बात करेंगे, क्योंकि जो बात आप करना चाहते हैं वही बात मैं करना चाहता हूं, और वही बात एक समाज का आम आदमी करना चाहता है कि भारत भक्तों, भारत भक्तों, भारत फिर से वैभव पाए परम, भारत भक्तों, भारत फिर से वैभव पाए परम, सब धर्मों से बढ़कर भाई होता राष्ट्र धर्म, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
तत्ववेत्ता ऋषि मुनियों ने परम सत्य जाना, तत्ववेत्ता ऋषि मुनियों ने परम सत्य जाना। शश श्यामला इस धरती को अपनी माता माना, शश श्यामला इस धरती को अपनी माता माना। माता भूमि और पुत्र में वेद वचन गुंजाया, माता भूमि और पुत्र में वेद वचन गुंजाया। और वंदे मातरम गाकर बंकिम ने यही दोहराया, वंदे मातरम गाकर बंकिम ने यही दोहराया। कहा राम ने ओ, कहा राम ने जन्मभूमि है स्वर्ग से भी उत्तम। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। जब प्रभु श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त कर ली, वंदे मातरम बताया था लक्ष्मण ने, कहा भैया लंका सोने की है, क्यों ना हम यही रह जाएं। प्रभु श्री राम ने उस समय कह दिया, अभी स्वर्ण में लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरी। प्रभु श्री राम ने कहा है, ये जननी ये जन्मभूमि ये मातृभूमि, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। हम नहीं कहते, हमारे प्रभु राम ने कहा है, इसलिए राम की वंदना करें और भारत माँ को भूल जाए। हम शंकर की वंदना करें और भारत माँ को भूल जाए, संभव नहीं। मैं इसलिए कई बार बोलता हूँ, हम भारत माँ की आरती इसलिए करते हैं कि जहां जहां तक भारत माँ की आरती होती रहेगी, वहां वहां तक हमारे तमाम देवी देवताओं की आरती होती रहेगी। यदि भारत माता की सीमा सिमट गई और देवी देवता भारत माता की सीमा से बाहर चले गए, पूजा हो नहीं सकेगी। हिंगलाज माता, ढाकेश्वरी देवी, तत्ववेत्ता ऋषि मुनियों ने परम सत्य जाना, तत्ववेत्ता ऋषि मुनियों ने परम सत्य जाना। शश श्यामला इस धरती को अपनी माता माना, माता भूमि और पुत्र में वेद वचन गुंजाया, माता भूमि और पुत्र में वेद वचन गुंजाया। वंदे मातरम गाकर बंकिम ने यही दोहराया, वंदे मातरम गाकर बंकिम ने यही दोहराया। कहा राम ने ओ, कहा राम ने जन्मभूमि है स्वर्ग से भी उत्तम। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। हमने पहले विस्तृत नभ के नक्षत्रों को जाना, हमने पहले विस्तृत नभ के नक्षत्रों को जाना। गणित रसायन भौतिक विद्या के सच को पहचाना, गणित रसायन भौतिक विद्या के सच को पहचाना। हम सब कहते हैं मेरा भारत महान, पर मेरा भारत महान क्यों? अगर तह में ना गए तो चूंकि हम भारत में पैदा हुए इसलिए मेरा भारत महान। तो जो आज पाकिस्तान में पैदा हुआ बोलेगा मेरा पाकिस्तान महान, अमेरिका वाला मेरा अमेरिका महान, तालिबान वाला उसको बचपन से वही शिक्षा मिली वो बोलेगा मेरा तालिबान महान। फिर हम में उनमें अंतर क्या है? हम में उनमें अंतर है, विश्व में सबसे पहले हमने कहा पृथ्वी गोल है, वेदों में लिखा हुआ है, आज पढ़ाया जाता है कोपरनिक्स, उसने बताया पृथ्वी गोल है। कोपरनिक्स के गैलीलियो के जन्म से हजारों साल पहले ऋषि ने कह दिया पृथ्वी गोल है, अपनी माता जल के साथ पूरी दुनिया के झूठ पर लगाती हवा में। विश्व में सबसे पहले हमने कहा एक साल में 365 दिन होंगे। ये ज्ञान का दावा करने वाले विश्व के तमाम देश, इन्होंने हमारी नकल की, इन्होंने कह दिया विश्व में एक साल में 365 दिन होंगे। सबसे पहले हमने कहा एक साल में 365 दिन होंगे, सबसे पहले हमने बताया एक साल के अंदर 12 महीने होंगे, दुनिया वालों ने कह दिया हाँ 12 महीने होंगे। हमने सबसे पहले कहा एक सप्ताह में 7 दिन होंगे, पूरी दुनिया वालों ने बोला 7 दिन होंगे। हमने सबसे पहले कहा पहले दिन का नाम होगा रविवार, अब वो क्या करते उन्हें ट्रांसलेट कर दिया संडे। हमने कहा दूसरे दिन का नाम होगा चंद्रवार सोमवार, उन्होंने ट्रांसलेट कर दिया मंडे। उन्होंने केवल नकल की है, नकल नकल नकल, लेकिन फिर भी आज हम पर वो भारी है, क्योंकि हमने अपनी अस्मिता भुलाई, अपना स्वाभिमान भुला दिया, हमने राम को भुला दिया, हमने हनुमान को भुला दिया। और कोरी भक्ति को पढ़कर हमने अपने हिंदुस्तान को भुला दिया। इसलिए याद रखें,
हमने पहले विस्तृत नभ के नक्षत्रों को जाना, गणित रसायन भौतिक विद्या के सच को पहचाना, शिल्प कला शिल्प चिकित्सा कला और उद्योग हमारी थाती, शिल्प चिकित्सा कला और उद्योग हमारी थाती, इन विज्ञानों के अंदर थी रही धर्म की बाती, इन विज्ञानों के अंदर थी रही व धर्म की बाती, गुफा निवासी गुफा निवासी जटा जूट धारी वैज्ञानिक हम, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। आज दुनिया ज्ञान पर कितना ही एकाधिकार करे, कॉपीराइट लगाए, पेटेंट लगाए, दुनिया भर को लूटे खसोटे, लेकिन ये ज्ञान कहां से प्रारंभ हुआ हम नहीं कहते। पूरी दुनिया के कंप्यूटर, रॉकेट, टेक्नोलॉजी, हवाई जहाज जिस गणित पर चल रहे हैं, वो गणित विश्व को किसने दिया? हमारे ही जटाजूटधारी वैज्ञानिकों ने, जिनको हम संत महंत ऋषि कहते थे। और ये ऋषि कौन थे? विदेशी परंपरा से भारत को समझने में बहुत कठिनाई होगी, बहुत कठिनाई होगी। हम समझते हैं वैज्ञानिक वो विचित्र प्रकार की ड्रेस पहने प्रयोगशाला के अंदर घुसा रहे, वही केवल वैज्ञानिक नहीं। जब 1974 में पोखरण में परमाणु विस्फोट किया गया भारत ने, दुनिया भर के लोगों ने कहा भारत ने पहली बार विस्फोट किया परमाणु बम का। चार्ल्स बेलिज उनसे पूछा गया, भारत ने पहली बार परमाणु बम को विस्फोट किया? चार्ल्स बेलिज का उत्तर था, यस इन मॉडर्न टाइम आफ्टर 8000 ईयर, 8000 साल बाद फिर भारत ने विस्फोट किया। प्लास्टिक सर्जरी किसने प्लास्टिक सर्जरी दी? लंदन की जेंटलमैन मैगजीन, उस लंदन की जेंटलमैन मैगजीन के 1794 के अंक में छपा हुआ है। लंदन के दो डॉक्टरों ने भारत के एक वैद्य को प्लास्टिक सर्जरी करते हुए देखा, उसका चित्र उसने लंदन की जेंटलमैन मैगजीन पत्रिका में छापा। उसके बाद डॉक्टर कारपो ने प्लास्टिक सर्जरी का विकास किया। प्लास्टिक सर्जरी में आज भी एक विधि भारत विधि के नाम से जानी जाती है। आज दुनिया कहती है अणु, हमारे कणाद ऋषि, हमने ऋषि के रूप में याद रखा, हम वैज्ञानिक के रूप में भूल गए। हमें प्रणाम करना चाहिए, हम देवताओं को प्रणाम करें, संतों को प्रणाम करें, महंतों को प्रणाम करें, लेकिन साथ में प्रणाम करें आर्यभट्ट को, वराहमिहिर को, चरक को, सुश्रुत को, कणाद को, कपिल को, जिन्होंने हमको उपदेश दिए, जिन्होंने गणित दिया, जिन्होंने ज्ञान दिया और हमको महानता का दान दिया। उस महानता को हम फिर याद रखें, अगर उस महानता को भूल गए तो दुनिया भारत की महानता को भूल जाएगी। कि हमने पहले विस्तृत नभ के नक्षत्रों को जाना, हमने पहले विस्तृत नभ के नक्षत्रों को जाना, गणित रसायन भौतिक विद्या के सच को पहचाना, शिल्प चिकित्सा कला और उद्योग हमारी थाती, शिल्प चिकित्सा कला और उद्योग हमारी थाती, इन विज्ञानों के अंदर थी रही धर्म की बाती, गुफा निवासी जटा जूट धारी वैज्ञानिक हम, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे। एक ज्योति जो सबके अंदर करती है उजियारा, एक ज्योति जो सबके अंदर करती है उजियारा, एक प्राण की सब जीवों के अंदर बहती धारा, एक प्राण की सब जीवों के अंदर बहती धारा, पंच तत्व के पुतले हम सब सबका एक रचयिता, पंच तत्व के पुतले हम सब सबका एक रचयिता, उसी एक ने विश्व रूप में खुद को है विस्तारा, उसी एक ने विश्व रूप में खुद को है विस्तारा, उसी एक के कई नाम हैं, उसी एक के कई नाम ये जाना सत्य परम, वंदे मातरम वंदे मातरम तालियों में जोड़ना चाहिए, आइए वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। विश्व का हर धर्म कहता है ईश्वर एक है, हो ईसाई हो यहूदी धर्म हो, सब कहते हैं ईश्वर एक है, हम भी कहते हैं ईश्वर एक है,
लेकिन हिंदुइज्म महान इसलिए वो कहता है वही ईश्वर एक है, लेकिन उसको किसी भी नाम से याद कर सकते हो। एक सदिप्रा बहुधा वदंती, वह एक है उसके नाम अनेक हैं, इसलिए हिंदुस्तान में कभी कट्टरता पैदा नहीं हुई। आज दुनिया में भाईचारे का उपदेश देते हैं, जब परमाणु बम की बात चली अमेरिका बोला, मैंने सीधे सीधे कहा कि जिनके घर पर लगी हुई है हथियारों की मंडी, जिनके घर पर लगी हुई है हथियारों की मंडी, और शांति और सद्भाव सिखाते हमको वे पाखंडी, और निर्दोषों के खून से जिनके दोनों हाथ सने हैं, आज अहिंसा और शांति के ठेकेदार बने हैं। लेकिन हम तो कमजोर है। मैं कई बार बोलता हूं, जब भारत ने परमाणु बम फोड़ा, तो जब भारत ने परमाणु बम पाकिस्तान ने फोड़ा, अब पाकिस्तान ने क्यों फोड़ा? अपने गांव में कहावत है, अगर घोड़ी के पैर में नाल ठुके नहीं तो मेंढक भी पैर आगे करे। भाई बराबर ही है, उसके पैर में ठोकी मेरे पैर में भी ठोक। अब जब घोड़ी के पैर में नाल ठुकी तो मेंढक क्यों ठोकी गई? तो भारत ने परमाणु बम विस्फोट किए 5, तो पाकिस्तान को तो कॉम्पिटिशन करना, उसने किए 7, और हुई ये बात कि पाकिस्तान का पीएम हाउस बिकाऊ हो गया। तो कई बार मैं उस बात बोलता हूं कि देखा देखी बढ़ाया कदम, देखा देखी बढ़ाया कदम, पाप ने भी बनाया बम, लेकर के हाथ कटोरा, दुनिया से कर्ज बटोरा, जो पेट दिखाकर जोड़ा उस पैसे से बम फोड़ा, अब रोजे करते माउस दिखने को पीएम हाउस, ईद हो गई है मोहर्रम, पाक ने भी बनाया बम, ईद हो गई है मोहर्रम, पाक ने भी बनाया बम। अब यार लोग बोलते भारत ने क्यों बम बनाया, मैंने कहा आज से बम की परंपरा, हमारे तो पहले से बोलते बम बम, तो बम बम का मतलब थोड़ी कि खाली वो बम बम, अरे वो तो एक बार ऐसा मजा हुआ बाबा जी कुटिया में, अब अपने यहां तो शाम को खाना खाते हैं, तभी शाम को कितने लोग नारे लगा रहे थे, भारत माँ की गोद में भारत माँ की आरती, जो नारा मिल गया आपने तो उसी पे चालू। अब नारे तो लोग कैसे कैसे मिलते हैं, पर वो हुआ एक महाराज जी ने खाना खाया और उन्होंने जोर से बोला बम बम। तो मैंने बताया ना, अगर भारत को समझना है तो भारतीय परंपरा समझना पड़ेगा, भारत को विदेशी परंपरा समझ नहीं सकते। तो महाराज जी ने खाना खाया, जोर से बोला बम बम, अंग्रेजों को टाइम था, मेम साहब ने सुन लिया बम बम, तो बम बम का शब्द हुआ चूक उठी, मेम साहब सुना शब्द बम का और फोन किया फौज को, तुरंत बुला लेने से दलबल लेके कप्तान आए धमका, और घेर के बाबा की कुटी तलाशी जब लेने लगे तो पत्तियों में छिपा कुछ गोल गोल चमका, घेर के बाबा की कुटी तलाशी जब लेने लगे तो पत्तियों में छिपा कुछ गोल गोल चमका, और जब हाथ से टटोला तो बाबा यूं बोला कि तो शिवलिंग है ना, बोला यहां बम का। आज मैं छोटी सी बात बताऊं आपको, आपको काम पड़ता होगा इसलिए मैं कोई जैसे केवल गीत गाने का प्रोग्राम होता गीत गा देता, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें बताना चाहता हूं जो आप लोगों से चर्चा कर सके, क्योंकि हमारा केवल एक काम होना चाहिए, हम लोगों में स्वाभिमान जागृत कर दें, तुम सामान्य व्यक्ति नहीं हो। मैंने पढ़ा वेद में जब प्रारंभ हुआ विश्व में अग्नि का आविष्कार, भारत से प्रारंभ हुआ, अथर्व ऋषि अंगिरस ऋषि उन्होंने अग्नि का आविष्कार किया, और इतना अच्छा श्लोक, लोग बोलते हैं भाषा सुधर रही है, हम कहते हैं भाषा नष्ट हो रही है, क्योंकि संस्कृत की जितनी वर्णमाला के शब्द पुराने लोग बोल लेते थे, आजकल हम उन शब्दों का उच्चारण करना ही भूल गए, हम डाउन जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, लोग बोलते हैं विकास कर रहे हैं, आज उतने शब्दों को हम बोल नहीं पा रहे हैं। उस समय बताया जाता था मनुष्य जब पैदा हुआ, मनुष्य के रूप में विकसित हुआ, सबसे निरीह प्राणी मनुष्य दुनिया में था, ना हिरण जैसा कूद सकता था, ना शेर जैसा किसी को फाड़ सकता था, ना हाथी के समान उसमें बल था, ना खरगोश जैसी कुलाचे मार सकता था, ना पक्षियों की तरह उड़ सकता था, ना मछली की तरह तैर सकता था। उस समय मनुष्य निराश बैठा हुआ था, उस समय अंतरिक्ष में आकाशवाणी हुई, उसके मन से किसी ने बोला मनुष्य तू अपने आप को कमजोर मत समझ, शृण्वन्तु विश्व अमृतस्य पुत्रा, हम अमृत के पुत्र हैं। लेकिन हम अमृत के पुत्र के बाद आज हमारी दशा क्यों, आप क्यों काम में लगे हुए हैं, क्यों हम इसके लिए काम कर रहे हैं? क्योंकि अमृत पुत्रों के अंदर लगता है कोई जान नहीं, राणा के बेटों को अपने बल गौरव का भान नहीं, आज राम की तुलना बाबर से क्यों लड़ करते हैं, माँ दुर्गा की धरती पर महिषासुर खुले विचरते हैं, झरझर करके आसमान से बम बंदूकें झरते हैं, सिंहों के बेटे गीदड़ की गुर्राहट से डरते हैं, सिंहों के बेटे गीदड़ की गुर्राहट से डरते हैं, जनता जागे डरे रात भर पुलिस प्रेम से सोए रे, जनता जागे डरे रात भर पुलिस प्रेम से सोए रे, पहले दास कबीरा रोए अब बाबा भी रोए रे, पहले दास कबीरा रोए अब बाबा भी रोए, क्योंकि जगत गुरु भारत में सबसे ज्यादा आज निरक्षर हैं।
क्यों काम कर रहे हैं, क्यों वन बंधु परिषद काम कर रही, गांव गांव जाकर लोगों को पढ़ाने का, और लोग नारा लगाने में व्यस्त है, हम जगत गुरु हैं। पर सत्य बात हम ये बोलना चाहते हैं, हम जगत गुरु थे, हम चाहते हैं वापस जगत गुरु बने। तो ये नारा केवल वैसे साकार नहीं हो सकता, इसके लिए हमको हमारी शक्ति तो जगाना पड़ेगी कि जगत गुरु भारत में सबसे ज्यादा आज निरक्षर हैं, जनता क्या मंत्री तक काला अक्षर भैंस बराबर है। अब लोग बड़े बोलते हैं, मेरे को कई बातें बोलता हूँ लोगों को बुरी लगती है, पर लोग बोलते हैं देश की जनता को वोट देना नहीं आता है। तो मैं इनकी जो चुने जाते हैं नेता लोग, इनको वोट देना आता है क्या? राष्ट्रपति का चुनाव होता है, कोई जनता तो वोट नहीं डालती है, फिर वहां वोट रिजेक्ट क्यों होते हैं? इन नेताओं को पकड़ के कौन पूछे? अच्छा फिर भैया, यहाँ तो अधिकतर हमारा काम बिहार उड़ीसा में चल रहा है, तो पूरे देश के लोग, मैं तो साफ साफ बोलता हूँ, बंबई के लोग, सूरत के लोग पिछली बार आज बोले हमारे यहाँ बहुत अच्छा प्रजातंत्र, बंबई वाले बोलते हैं हमारे यहाँ अच्छा प्रजातंत्र, दिल्ली वाले हमारे अच्छा प्रजातंत्र, मैं तो बोलता हूँ सबसे अच्छा प्रजातंत्र बिहार में। हंसने की बात नहीं भाई साहब, बंबई में कितना परसेंट मतदान होता प्रियंका जी? 60%। दिल्ली में कितना होता भाई साहब दर्शन जी? 63%। अर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग, कितना परसेंट मतदान? 70%। एकमात्र बिहार देश में जगह है जहां 120 से 150% तक मतदान होता है। पूरे गांव में वोटर 1000, पेटी में 1500 वोट निकल रहे हैं। इससे अच्छा प्रजातंत्र और क्या हो सकता है? अपना सोचना अपने ढंग का, लोगों का सोचना उनके ढंग का, कि जगत गुरु भारत में सबसे ज्यादा आज निरक्षर है, जनता क्या मंत्री तक काला अक्षर भैंस बराबर है, देश में सबसे ज्यादा लंगड़े लूले कोढ़ी अंधे हैं, चरक सुश्रुत की परंपरा पर एलोपैथिक फंदे हैं, दूध दही की नदियों वाला देश बचा बसनारों में, दूध दही की नदियों वाला देश बचा बसनारों में, असली गायें काटी जाती नकली दूध बाजारों में, असली गायें काटी जाती नकली दूध बाजारों में, असली दूध से असली पानी ज्यादा महंगा होए रे, दूध 10 रुपए लीटर, पानी 14 रुपए लीटर, बिस्लरी की बोतल और उसमें भी जहर, जानता है पूरा शहर, फिर भी पी रहे हैं, हर हालात में हम जी रहे हैं। कि जगत गुरु भारत में सबसे ज्यादा आज निरक्षर हैं, जनता क्या मंत्री तक काला अक्षर भैंस बराबर है, देश में सबसे ज्यादा लंगड़े लूले कोढ़ी अंधे हैं, चरक सुश्रुत की परंपरा पर एलोपैथिक फंदे हैं, दूध दही की नदियों वाला देश बचा बसनारों में, असली गायें काटी जाती नकली दूध बाजारों में, असली दूध से असली पानी ज्यादा महंगा होए रे, असली दूध से असली पानी ज्यादा महंगा होए रे, पहले दास कबीरा रोए अब बाबा भी रोए रे, पहले दास कबीरा रोए अब बाबा भी रोए रे, कि सोने की चिड़िया था भारत अब ये देश दिवाला है। हम भी नारे लगा सकते हैं, कई बार लोग बोलते हैं आप इतना रोते क्यों, तो रोने का कारण है आज समाज की परिस्थिति है, और यदि हम सब मिलकर साथ रो लिया है तो हमारा रोना हमारे पाप को धोएगा, हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैं कहूंगा, मैं आपको निराश नहीं करना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं वो बुद्धि जिसने चरक दिए, सुश्रुत दिए, भास्कराचार्य दिए, वो बुद्धि कहां गई? वो बुद्धि आज भी है, पड़ी हुई है, सुप्त पड़ी हुई है, कहीं वनवासी क्षेत्रों में, कहीं गिरी में, कहीं गुफाओं में, कंदराओं में, शहरों में, अट्टालिकाओं में, केवल जगाना बाकी है। कि वो शक्ति जिसने भारत को जग सिर मोर बनाया, वो शक्ति जिसने भारत को जग सिर मोर बनाया, वो शक्ति जिसने भारत को जग सिर मोर बनाया, वो बुद्धि जिसने अतीत में ज्ञान का दीप जलाया, वो बुद्धि जिसने अतीत में ज्ञान का दीप जलाया, नहीं हुई है लुप्त मनों में सुप्त पड़ी है भाई, नहीं हुई है लुप्त मनों में सुप्त पड़ी है भाई, सूरज से अंगारों पर जो राख का बादल छाया, सूरज से अंगारों पर जो राख का बादल छाया, भरम हटे तो भरम हटे तो हम चमकेंगे सूरज से चमचम, वंदे मातरम, सबसे कम वंदे मातरम, सब बोलिए मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जो कुछ आंखें देख रही है सच है उससे आगे, जो कुछ आंखें देख रही है सच है उससे आगे, थोड़ी सी कठिनाई इससे डर करके ना भागे, थोड़ी सी
किसी कठिनाई से डर करके ना भागे, डर कर भागे नहीं, न दैन्यम न पलायनम। अर्जुन ने भी कहा था, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, न दैन्यम न पलायनम, और यही सीख दी हमको डॉक्टर हेडगेवार ने, यांची देही यांची डोला, अपनी ही आंखों से देखेंगे। अब ये अलग बात है वो चले गए, लेकिन उनकी आंखों से हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। हम भी ना देख पाए तो उनकी आंखों से कोई और तीसरा देखेगा। वो शक्ति आज भी मनो में पड़ी हुई है, हम फिर से जगाना चाहते हैं उस शक्ति को, फिर भारत को चमकाना चाहते हैं विश्व के आकाश में, कि जो कुछ आंखें देख रही है सच है उससे आगे, जो कुछ आंखें देख रही है सच है उससे आगे, थोड़ी सी कठिनाई इससे डर करके ना भागे, थोड़ी सी कठिनाई इससे डर करके ना भागे, थोड़ी सी कठिनाई इससे डर करके ना भागे, अंधियारा जो दूर दूर तक देता हमें दिखाई, अंधियारा जो दूर दूर तक देता हमें दिखाई, केवल तब तक है जब तक हम आँख खोल ना जागे, केवल तब तक है जब तक हम आँख खोल ना जागे, दूर हटाए अपने मन पर छाया भेद भरम, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। कई बार लगता है जब सुनते हैं घटनाएं, दुर्घटनाएं, बलात्कार, लूटपाट, हत्याएं, कई बार लगता है अब देश को कौन बचाएगा। लेकिन एक बात मैं ये भी कहूंगा, जहां निराशा है वहां आशा भी तो है, क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं देश में इतना चल रहा है, मैं बोलता हूं देश में इतना नहीं चल रहा है, क्योंकि रोज 1000 ट्रेन टाइम पे चलती है, 5000 ट्रेन रोज एक मुकाम से चलती है दूसरे मुकाम पहुंचती है। आज तक अखबार में छपता है क्या कि ट्रेन टाइम पे पहुंच गई सब, आज ट्रेन नहीं उल्टी ऐसी खबर आपने आज तक पढ़ी क्या? यानी ट्रेन सही जा रही है, एक उलटती उसका अखबार में छपता है, 100 लोग भले काम कर रहे हैं वो कोई नहीं बोलता है, एक गलत काम कर रहा है वो बोलता है। और मैं तो कई बार बोलता हूं दुनिया में दादा कितने, गुंडे कितने, लादेन कितने, दाऊद कितना, जैसे वो एक ना सबका मालिक एक, दाऊद एक, लादेन एक, सालेम एक, पर हम हजारों और एक व्यक्ति हजारों पे भारी, क्योंकि आतंक में जी रहे नरनारी। कई बार मैं बोलता हूं इसका हल ये नहीं है, इसका हल है कल मौत आने को ही है तेरे भी द्वार, कल मौत आने को ही है तेरे भी द्वार, क्या होगा बहाने से यूं आंसुओं की धार, फैल रहा है जहां में ये जो पापाचार, इसका है प्यारे सिर्फ एक उपचार, कि दादाओं से बड़ा दादा बन मेरे यार, चाकुओं के आगे तू निकाल तलवार, बंदूकों के आगे प्यारे बम फोड़ तू, बंदूकों के आगे प्यारे बम फोड़ तू, जिंदगी जो चाहे कायरता छोड़ तू, जिंदगी जो चाहे कायरता छोड़ तू, पापियों से प्राणों की तू मांग मत भीख, पापियों से प्राणों की तू मांग मत भीख, जीना है तो पापियों का खून पीना सीख, जीना है तो पापियों का खून पीना सीख, जीना है तो पापियों का खून पीना सीख, विषहीन सर्प बच्चों का खिलौना होता है, विषहीन सर्प बच्चों का खिलौना होता है, मांझी कमजोर हो तो नैया को डुबोता है, जाग और सोए शोर स्वाभिमान को भी जगा, जागता है वो पाता है सोता है वो खोता है, जागता है वो पाता है सोता है वो खोता है, जीवन जुड़ा है तेरा औरों के ही साथ, जीवन जुड़ा है तेरा औरों के ही साथ, पर हित में बहाना तू पसीना सीख। आप जो वन बंधु परिषद का काम कर रहे हैं, कई बार लोग पूछते हैं हम शहर में रह रहे हैं हम सुखी वनवासी के लिए क्यों जाएं, क्यों काम करें, उसका एकमात्र उत्तर है कि जब हम प्रार्थना करते हैं मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाकर बोलते हैं ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति आपः शांति ओषधयः शांति वनस्पतयः शांति, वनस्पति क्यों शांत हो, यदि वनस्पति शांत हुई तो आप शांत रह पाएंगे, जिस दिन देश की वनस्पति कट जाएगी आपको सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। एक पेड़ भी आपके लिए जरूरी है, यदि पेड़ साफ रहे आप साफ रहेंगे, नदियां साफ रही आप साथ रहेंगे। विश्व का सिद्धांत है, कई बार माननीय सुदर्शन जी बोले, मैंने एक बार सुना है, विश्व का सिद्धांत है जो कमाएगा वो खाएगा, भारतीय सिद्धांत है जो पैदा हुआ है वो खाएगा और जो कमाएगा वो खिलाएगा। क्योंकि लोग भले कहते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं सूरतवासियों से भी,
क्यों आवश्यक है हमारे काम, क्यों आवश्यक है स्कूल, क्यों आवश्यक है सत्संग समितियां? क्योंकि आज भी जब सड़कों पे से आप कार लेकर रात को निकलते हैं, पुलिस कार को रास्ते में रोक लेती है। जब तक 50 कार का काफिला ना हो जाए तब तक आगे ना जाएं। क्यों ना जाएं? आपको लूट लिया जाएगा। कौन लूटेगा? हमारा वनवासी। वो भोले थे, भाले लेकर क्यों खड़े हो गए? भोले लेके भाले क्यों खड़े हैं आज सामने? क्योंकि हमने हाथ ना बढ़ाया उनको थामने। धर्म को खरीदती हो जब विदेशी रोटियां और दवाई केची बन के काटती हो चोटियां, ऐसे में राम बन के अगर दिलों से दिल को आप जोड़ दें तो क्या मजाल काशीराम की देश तोड़ दें। मैं कई बार गीत गाता हूं, पीड़ाओं का स्वर है कि गीत में बधाइयों के फिर कभी सुनाऊंगा, गीत में बधाइयों के फिर कभी सुनाऊंगा, छंद रस अलंकरण के फूल फिर खिलाऊंगा। वीणा वादिनी मनग्न है कला के नाम पे, शब्द बिक रहे हैं आज पायलों पे जाम पे, हैं ज्वलंत प्रश्न इनसे आंख ना चुराइए, आज मन की पीड़ाओं के स्वर ही लेते जाइए, आज मन की पीड़ाओं के स्वर ही लेते जाइए, आज मन की पीड़ाओं के स्वर ही लेते जाइए। माया का है काम ध्यान राम से हटाती है। अब वो माया, माया का काम भेद डालना है। जैसे हम लिखते हैं किसी महात्मा का, महात्मा 108, 108 क्यों लिखते, 109 क्यों नहीं लिख दिया? अब 108 लिखने के वैसे कई सारे कारण हैं कि सुबह से और शाम तक लेके आप जितनी सांसें लेते हैं उसका आधा भाग कर दो तो 18,000 सांसें लेंगे, उसमें से कम कर दो तो उसको हटा के 108 बच जाएगा। एक उत्तर ये भी है, लेकिन दूसरा इसका उत्तर रामचरितमानस में भी है कि उभय बीच सिय सोहति कैसे, उभय बीच सिय सोहति कैसे, धम्म जीव बीच माया कैसे, धम्म जीव बीच माया बैठी हुई है कैसे? नौ शब्द आप सब जानते हैं। नौ शब्द क्या होता है? नौ शब्द पूर्णांक होता है। नौ में नौ का कितनी बार गुणा करते जाओ और जोड़ो तो उत्तर नौ ही आएगा। नौ एकम, नौ दूना 8 और 1, 9 3 27, 7 और 2, 9 4 36, 6 और 3, गुणा करते जाओ उत्तर नौ ही आएगा। ये नौ पूर्ण ब्रह्म की संख्या है। हम प्रभु श्री राम को पूर्ण ब्रह्म के रूप में देखते हैं और हम बोलते हैं कि राम पूर्ण ब्रह्म है, लेकिन राम पूर्ण ब्रह्म तब जबकि जीव एक और उधर 8 ब्रह्म, इसके बीच की माया हट जाए। अगर माया हट जाए तो 8 और 1 मिलकर पूर्ण ब्रह्म बन सकते हैं, ये प्रतीक है उस बात का। लेकिन माया, माया राम की हो या काशी राम की, वो माया हो तो भी भेद डालती, ये माया भी भेद डालती है। के फूल फल रही है काशी राम की प्रजातियां, फूल फल रही है काशी राम की प्रजातियां, देश से बड़ी हुई है आज क्यों ये जातियां। माया का है काम ध्यान राम से हटाती है, माया का है काम ध्यान राम से हटाती है, जीव ब्रह्म को सदा पृथक पृथक दिखाती है। दोष इनको दीजिए न खुद का दिल टटोलिए, दोष इनको दीजिए न खुद का दिल टटोलिए, एक बार आप उनसे प्रेम से तो बोलिए, राम बन के गर दिलों से दिल को आप जोड़ दे, राम बन के गर दिलों से दिल को आप जोड़ दे, राम बन के गर दिलों से दिल को आप जोड़ दे, तो क्या मजाल काशी राम की देश तोड़ दे, क्या मजाल काशी राम की देश तोड़ दे, क्या मजाल काशी राम की देश तोड़ दे। राम बन के केवटों को फिर गले लगाइए, राम बन के केवटों को फिर गले लगाइए, शबरियों के बेर मीठे कह के फिर से खाइए, शबरियों के बेर मीठे कह के फिर से खाइए, आज मन की पीड़ाओं के स्वर ही लेते जाइए, आज मन की पीड़ाओं के स्वर ही लेते जाइए, आज मन की पीड़ा। लेकिन ये सारी पीड़ा हर सकते हैं, ये संग्राम है। मैं चाहता हूं सब गाएं, ये संग्राम है, और संग्राम में विजय पाना तो वही हमारे साथ राम है। कि मनवा रे मनवा जीवन है संग्राम, मनवा रे मनवा जीवन है संग्राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, मनवा रे मनवा जीवन है संग्राम। हम कृष्ण के भी गीत गाएं तो कृष्ण के गीत भी हमको उसी अंदाज में गाना चाहिए
मेरे मुरली बजैया कन्हैया, मेरे मुरली बजैया कन्हैया, प्रेम करना हमें तू सिखा रे, मुरली बजैया कन्हैया, मेरे मुरली बजैया कन्हैया, प्रेम करना तू हमको सिखा दे, मेरे मन के मरुस्थल को पाना, मेरे मन के स्थल को पाना, भूमि तू वृंदावन की बना दे, मेरे मन के मरुस्थल को पाना, मेरे मन के मरुस्थल को पाना, भूमि तू वृंदावन की बना दे, मेरे मुरली बजैया कन्हैया, मेरे मुरली बजैया कन्हैया, प्रेम की धुन मुझको सुना दे, मेरे मन के मरुस्थल को गाना, मेरे मन के मरुस्थल को गाना, भूमि तू वृंदावन की बना दे, मेरे मन के मरुस्थल को गाना, भूमि तू वृंदावन की बना दे। तूने द्वापर में जिसको भगाया, तूने द्वापर में जिसको भगाया, कालिया फिर से वो लौट आया, कालिया फिर से वो लौट आया, कृष्ण है वासुदेव, वासुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। कौन था कालिया यमुना को जहरीली करने वाला, कौन था कालिया इस देश की गौओं को मारने वाला, कौन था कालिया इस देश के वनों पर हमला करने वाला, वृंदावन को नष्ट करने वाला कालिया, उस कालिया को भगवान श्री कृष्ण ने मार दिया। लेकिन क्या आज हमारी यमुना वापस जहरीली नहीं हुई? यमुना फिर जहरीली, आप कितना ही कह लें, लेकिन सूरत के वासी भी जब अपने बच्चों को लेकर गंगा नदी में जाएंगे और कहेंगे बेटा स्नान कर ले काशी में, बच्चा बोलेगा इतना गंदा पानी, इट इज नॉट पॉसिबल पापा। हमारी गंगा, हमारी यमुना, हम गीत गाएं गंगा के, हम गीत गाएं यमुना के, 50 वर्षों से भारत की जय के नारे लगाते आए, इस देश में कब कृष्ण के गीत बंद हुए, इस देश में कब राम के गीत बंद हुए, लेकिन राम के गीत भी चलते रहे, मंदिर भी टूटते रहे, कृष्ण के गीत भी चलते रहे, वृंदावन शमशान बन गया, भगवान शंकर की शिवरात्रियां मनती गई, कैलाश पर्वत हाथ से चला गया, सोमनाथ का मंदिर टूट गया, शिवरात्रि है सौराष्ट्रे सोमनाथम चशचले मल्लिकार्जुनम उज्जिन्याम महाकालम ओंकार मंगलेश्वरम परल्याम वेदनाथम डाकिन्याम भीम शंकरम सेतु बंदे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्याम तु विश्वशम त्रयम्बकम् गोत्मी तटे हिमालय तु केदारम कृष्णेशम शिवालय एतानि द्वादश ज्योतिर्लिंगानि 12 ज्योतिर्लिंग क्यों बनाए 12 ज्योतिर्लिंग? भगवान शंकर कण कण में रहने वाले हैं, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी? अगर तू शंकर को मानता है तो खाली एक जगह बैठ के शंकर शंकर मत कर, शंकर को मानना तो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके आ, गुजरात में जा सोमनाथ मंदिर दर्शन कर, उत्तर भारत में जा केदारनाथ दर्शन कर, तू दक्षिण में जा रामेश्वर के दर्शन कर, इधर दर्शन कर, बिहार में जा वहां दर्शन करके आ, इस बहाने पूरे देश के चक्कर लगा कर आ, खाली घर बैठ के गीत मत गा। अगर शंकर को नहीं मानते, देवी को मानते, 52 शक्तिपीठ, असम में कामाख्या, गुजरात में अंबा देवी, ऊपर वैष्णो देवी, दक्षिण भारत में कन्याकुमारी, और लोग बोलते हैं इंडिया इज ए नेशन इन मेकिंग, भारत एक राष्ट्र बन रहा है, उनसे पूछो, आज से 2000 वर्ष पहले 1000 वर्ष पहले पूरे देश के लोग परिक्रमा करते थे भारत की, और आज से 1000 वर्ष पहले जो बद्रीनाथ तीर्थ बसा गया, 1000 वर्ष पहले उस बद्रीनाथ उत्तर भारत के तीर्थ पर पूजा करने वाला ब्राह्मण आज भी नम्बूदरी पाद जाति का होता दक्षिण भारत का। 1000 साल से परंपरा चल रही है कि यदि बद्रीनाथ पर पूजा करेगा तो दक्षिण भारत का पुजारी हमेशा तक पूजा करेगा, और यदि रामेश्वर पर जल चढ़ाया जाएगा तो गंगा का जल चढ़ाया जाएगा। देश को किसने जोड़ा? ये राष्ट्र आज का नहीं है, राष्ट्र बना हुआ है आदि सनातन चिरंतन राष्ट्र, लेकिन हम बन गए धृतराष्ट्र, हम राष्ट्र को भूल गए। तूने द्वापर में जिसको भगाया, तूने द्वापर कालिया फिर से बोल आया, तूने द्वापर
करिया फिर से वो लौटिया। देख शक्ति हमें इसके पन पे, देख शक्ति हमें इसके पन पे, नाचना ओ नचैया सिखा दे। देख शक्ति हमें इसके पन पे, देख शक्ति हमें इसके पन पे, नाचना ओ नचैया सिखा दे। मेरे मुरली बजैया कन्हैया, बजैया कन्हैया, प्रेम करना हमें। मैं चाहता हूँ कल शिवरात्रि थी इसलिए अगर आप रंग में हैं तो एक बार हाथ उठाकर स्वागत कीजिएगा इस बात का। मैं शंकर का विवाह का गीत गाऊंगा, शिवरात्रि अपन आज मनाते। बोलिए भोले भंडारी बाबा की। कि शिव के तन की भस्मी, शिव के तन की भस्मी जग की नश्वरता दिखलाए। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, मुंड मुंड में मति अलग है कुंड कुंड में पानी, मुंड मुंड में मति अलग है कुंड कुंड में पानी, कोई जड़ मूरख तो कोई पंडित ज्ञानी ध्यानी, कोई जड़ मूरख तो कोई पंडित ज्ञानी ध्यानी, शिव का सच्चा भक्त सभी में सामंजस्य बिठाए। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। मोर सर्प चूहे में सदियों से है वेद पुराना, मोर सर्प चूहे में सदियों से है वेद पुराना, शेर वृषभ का एक जगह ना होता कभी ठिकाना, शेर वृषभ का एक जगह ना होता कभी ठिकाना, पर शिव के संग रहते हैं सब, पर शिव के संग रहते हैं सब, वेरी भक्ति बुलाए। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, शिवाय। एक पुत्र है ज्ञान का सागर, एक देता है भक्ति, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। एक पुत्र है ज्ञान का सागर, एक देता है शक्ति, पार्वती वैभव की प्रतिमा शंकर अनासक्ति, पार्वती वैभव की प्रतिमा शंकर अनासक्ति। शिव के घर में सभी रंग ये, शिव के घर में सभी रंग ये एक रंग हो जा। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंकर का मतलब यही है, तुम कई बार होता है हम हर परिवार में ऊपर ऊपर हम कितने सुंदर दिखे, कितने हंसमुख दिखे, खुश दिखे, समृद्ध दिखे, लेकिन दिल पर हाथ रखकर पूछ लो। मैंने जब कई बार एक कैसेट बनाई तो मैंने लोगों से जिनके सामने बैठ के सुना, मैं वहां से टरक लिया, नहीं तो लोग बोलते बाबा जी आप हमारे बारे में बोल रहे हो। मैं बोलता हूँ सामान्य बात, मनोवैज्ञानिक बात, हम ऊपर ऊपर कितना खूबसूरत दिखे, हंसमुख दिखे, सुखी दिखे, लेकिन अंदर अंदर पूछो तो हर घर में मिट्टी के चूल्हे हैं। पति बोलता है मेरी पत्नी कहने में नहीं है, पत्नी बोलती दिन भर मेरे ऊपर हुकुम चलाते हैं, बच्चे बोलते मेरे माँ बाप, पुराने जमाने के माँ बाप बोलते आजकल बच्चे कहना नहीं मानते हैं। पर याद रखिए, मुंडे मुंडे मतरी भिन्ना, कुंडे कुंडे नवा पया, जातो जातो नवाचारा वाणी नवा मुखा मुखा। दुनिया में करोड़ों लोग, अरबों लोग, एक की शक्ल दूसरे से नहीं मिलती, तो एक की अकल दूसरे से कहां से मिल जाएगी। तो शंकर जी की भक्ति इसमें थोड़ी कि आप जाके जल चढ़ा के आ जाओ, ये जल अंदर चढ़ाओ, कुछ मेल धोलो, असली शंकर जी की भक्ति ये भी है। वंदे मातरम गाकर कर लो भारत माँ की आरती, वंदे मातरम गाकर कर लो भारत माँ की आरती। इस आरती के साथ हम समापन करेंगे और मैं चाहूंगा आप सब लोग इसमें पूरी तरह से मुझे साथ दें। सगम बने रामा
वंदे मातरम गा कर कर लो भारत माँ की आरती, वंदे मातरम गा कर कर लो भारत माँ की आरती, वंदे मातरम गा कर कर लो भारत माँ की आरती। दो शब्दों की दिव्य चेतना राष्ट्र भाव संचार के, वंदे मातरम गा कर कर लो भारत माँ की आरती, वंदे मातरम गा कर कर लो भारत माँ की आरती। दो शब्दों की दिव्य चेतना राष्ट्र भाव संचार के, वंदे मातरम गा कर कर लो भारत माँ की आरती, वंदे मातरम गा कर कर लो भारत माँ की आरती। भागीरथ बंकिम लाए थे भू पर ये गंगा धारा, भागीरथ बंकिम लाए थे भू पर ये गंगा धारा, आजादी के दीवानों का तेज भरा था ये नारा, आजादी के दीवानों का तेज भरा था ये नारा। सिद्ध किया इस महामंत्र को अरविंदों से योगी ने, सिद्ध किया इस महामंत्र को अरविंदों से योगी ने, हर एक कष्ट सहे वीरों ने किंतु मंत्र ये उच्चारा, हर एक कष्ट सहे वीरों ने किंतु मंत्र ये उच्चारा। अद्भुत गरिमा महामंत्र की दास्य वृत्ति से तारती, वंदे मातरम गा कर कर लो भारत माँ की आरती, वंदे मातरम गा कर कर लो भारत माँ की आरती। माँ माँ ये हमारी भारत माता, माँ सुजलाम सुफलाम मलेज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम भारत माँ। सुजला सुफला भूमि प्यारी ऋषि मुनियों की दिव्य धरा, सुजला सुफला भूमि प्यारी ऋषि मुनियों की दिव्य धरा, जिसके कण कण में बल विक्रम पौरुषता का तेज भरा, जिसके कण कण में बल विक्रम पौरुषता का तेज भरा। ज्ञान और विज्ञान की पावन गंगा अविरल बहती है, ज्ञान और विज्ञान की पावन गंगा अविरल बहती है, सारे जग को भ्रातृभाव की मिली यहीं से परंपरा, सारे जग को भ्रातृभाव की मिली यहीं से परंपरा। कमला अमला सरला तुला कमला अमला सरला तुला वरदा सुखदा भारती, वंदे मातरम गा कर कर लो भारत माँ की आरती, वंदे मातरम गा कर कर लो भारत माँ की आरती, वंदे मातरम गा कर कर लो भारत माँ की आरती। देव निर्मित देश सामान्य सामान्य रूप से नहीं है देश, इस देश के उत्तर में हिम किरीट हिमालय, दक्षिण में पैर धोता हुआ सागर, चारों तरफ सुषमा बिखरी हुई है, ऐसा विश्व में कौन सा देश है जहां पर इतनी ऋतुएं, जहां पर इतनी विविधता वाली भूमि, इतनी विविध जैविक संपत्ति, विविध प्रकार की वनस्पति प्रजातियां। के उन्नत शेष हिमालय जिसकी शुभ्र ज्योति दिखलाता है, उन्नत शेष हिमालय जिसकी शुभ्र ज्योति दिखलाता है, मलय पवन जिसके आंगन की बगिया को महकाता है, मलय पवन जिसकी आंगन की बगिया को महकाता है, हिममंडित कैलाश शिखर से गर्जन करते सागर तक, हिममंडित कैलाश शिखर से सागर तक विस्तृत भूमि, तेरे सुषमा
अतुलित सब जग श्रद्धा सुमन चढ़ाता है, तेरी सुषमा अतुलित सब जग श्रद्धा सुमन चढ़ाता है। सागर की लहरे पखारती वंदे मातरम गा कर लो जय हो की सभी गाइए लहरा करण पखारती।
की एक माता, तो हमारा आपस में होना चाहिए कोई ना कोई नाता। ये उसी नाते का वास्ता है, कोई दया नहीं। बनवा शिवरी दया मत कीजिए, दया नहीं चाहिए, प्रेम चाहिए। आप जिस भारत माता की जय बोलते हैं, यही जय का नारा चाहिए। यह नारा बन जाए आपके दिल में गंगारा। फूट फूट भारत माता की जय ना बोले, अपने दिल को खोले, अपने दिल को पटोले, बोले राम कृष्ण शिव की भूमि भक्तों को बोलो दुर्बल है। राम कृष्ण शिव की भूमि भक्तों को बोलो दुर्बल है। गंगा विद्या चल कावेरी और गंगा विद्या चल कावेरी और हीरे मोती देने वाली बोलते थे हमारी भारत माता ऐसी थी, आज हमारी भारत माता ऐसी है, और हमको भारत माता को फिर से पहुंचाना है। याद हमें युग युग की चलती अनेक घटनाएं, याद हमें युग युग की चलती अनेक घटनाएं, जो आके सेवा पद पर आई बनकर दुखताए। हमने अभिषेक किया था जननी का हरिशोर से, हमने श्रृंगार किया था माता का मर मुंडे से, हमने ही किया था सिंहासन माँ जिस पर बैठे सुख से, करती थी जब माता शन, करती थी जब माता शन, अब काल चक्र की गति से, अब काल चक्र की गति से टूट गया सिंहासन, अब काल चक्र की गति से। अब काल चक्र की गति से वह टूट गया सिंहासन, अपना तन मन धन देकर, अपना तन मन धन देकर, हम करे पुनः संस्थापन, हम करे राज्य आराधन, हम करे राज्य आराधन, हम करे राज्य आराधन। अपने गिलते बचपन से, अपने गिलते से हमारा दूसरा व्यक्ति आपको अपना भाई ना लगे, तब तक समझ लेना भक्ति अधूरी है। भारत माता की जय बोलना सार्थक नहीं है। अपने देवताओं को, राम को, कृष्ण को, शिव को, हनुमान को, शक्ति को तुम्हें वो माता, तुम्हें वो पिता बोलना सार्थक नहीं है। आइए आगे आइए। दिग दिगंत तक भारत माँ की जय जय कार गुजाना है, दिग दिगंत तक भारत माँ की जय जय कार गुजाना है, गीत गए स्वर्ण अतीत को पुनः धरा पर लाना है। भारत हूँ भारत का है, दुख मेरा अपना है, मैं भारत हूँ भारत का है, जन जन के मन में गिरते एकात्म भाव पहचाना है, जन जन के मन में गिरते एकात्म भाव समरस भावो से मां, समरस भावो से भारत मां को तुमने निहार की, मातरम का जय जय कर, मातरम का जय जय कर, मातरम का जय जय कर।
साथी जिसके आज गांधार अफगानिस्तान के अंदर है उस अफगानिस्तान की थी रानी गांधारी। हमारा हिस्सा था ये बर्मा भूटान नेपाल श्रीलंका ये हमारी इसी भारत माता के हमले थे। दूर दूर तक भारत माता की सीमाएं फैली हुई थी। राष्ट्रवाद हमारा था जो आज चाइना के पास है हमारी सीमाएं सिमटती गई हम सिमटते आए आइए फिर से खेले। भारत अपना हो महान ये हर व्यक्ति का सपना है। भारत अपना हो महान ये हर व्यक्ति का सपना है। और हुकूमत देखो सोचो योगदान क्या अपना है। और हुकूमत देखो सोचो योगदान क्या अपना है। देशभक्ति की बातें जो करने में है आसान बहुत। देशभक्ति की बातें जो करने में लेकिन इन राहों पर चलना कष्ट मार्ग में चलना लेकिन इन राहों पर। संत कबीरदास ने कह दिया था कबीरा खड़ा बाजार में ये लुकाठी हाथ जो घर फूके आप ना चलो हमारे साथ। ये घर फूकने का रास्ता है दूर खड़े होकर तमाशा देखने का रास्ता नहीं। हो सकता है कल को सेवा में निकले दान दे वनवासी क्षेत्रों में जाए आपके नाम नोट किए जाए अगली सरकार आने पर देख लेंगे। हो सकता है इस भारत माता की जय बोलना आसान है। भारत अपना हो महान ये हर व्यक्ति का सपना है। भारत अपना हो महान ये हर व्यक्ति का सपना है। और हुकूमत देखो सोचो योगदान क्या अपना है। कभी आए कार्य आए बच्चा कदियम हमने कंठ का निर्माण स्वयं सुना है। उत्कृष्ट जागर कार्य बरा निरोधक श्रेष्ठ धारा निष्ठा उद्यम पदस्थ कवियों की कठिनता का मार्ग है सरलता का मार्ग नहीं। सरलता का मार्ग नेता दिखाएंगे 26 जनवरी पर झंडा फहराएंगे 15 अगस्त पर झंडा फहराएंगे। बहुत आसान एक बार जय के नारे लगा लेना। मैं ऐसी जय बोलने को नहीं बोलता मैं बोलता हूँ दिल के द्वार खोले बाद में भारत माता की जय बोले। देशभक्ति की बातें ये करना है आसान बहुत लेकिन इन राहों पर चलना कष्ट मार्ग में चलना है। लेकिन इन राहों पर चलना कष्ट मार्ग में चलना कष्टों की धारा ही तो कष्टों की धारा ही तो भावी भाग्य संवार। मातरम गा कर कर लो भारत माती आरती। मातरम गा कर कर लो भारत माती आरती। दो आज का दिन आपको बधाई का दिन है
एक नए मुरारी बापू का जन्म हुआ, हमको मिल गया। 20 साल का सपना आज मेरा पूरा हो रहा है। 30 साल पहले तो मैं उड़ीसा का प्रांत प्रचारक था, एक बैठक के लिए उज्जैन गया। उज्जैन के संघ कार्यालय के कमरे के कोने में सत्यनारायण को एक चित्र करते हुए देखा और तब से मैं सपना देख रहा था कि कब ये प्रतिभावान युवक भारत माँ के चरणों में अर्पित होगा। आज मैं उसको भारत माँ के चरणों में अर्पित कर रहा हूं। इसकी कलाकार की प्रतिभा को आपने देखा, इसके हृदय की महानता को मैं 20 साल से देख रहा हूं। मैं पूछता था कि सत्यनारायण, जब तुमने अविवाहित रहकर प्रचारक रहना ही तय किया है तो तुम मुझे प्रचारक कहने के लिए क्यों मना करते हो? कहता था कि श्याम जी, मैं कलाकार हूं, प्रचारक मत कहो, क्योंकि मैं प्रचारक की सीमा में नहीं बन सकता। मैं नहीं समझता था, लेकिन जब मैं अमेरिका में एक बैठक ले रहा था, फोन आ गया सत्यनारायण को कि श्याम जी, मैं आपसे मिलने आ रहा हूं। बैठक खत्म हो गई थी, सब लोग उठकर जाने वाले थे, अचानक ही आया। मैंने सबको परिचय कराया और जो मैंने कहा कि ये गीत अच्छा कहता है और इसने गीत कहना शुरू किया तो मुझे एक नया सत्यनारायण मिल गया, जिस अमेरिका में एक मिनट किसी के कहने पर कोई रुकता नहीं है, 3 घंटे किसने घड़ी नहीं देखी। अमेरिका के लोग क्या पागल हो सकते हैं, मैंने देखा। तो मैंने कहा सत्यनारायण, अब वो दिन आ गया है जिसकी हम 20 साल से इंतजार कर रहे हैं और आज यह कार्यक्रम पिछले 5 वर्षों की सतत चर्चा का परिणाम है। ये मुझसे कहता था कि श्याम जी, मुझे जो उपयोग करना हो कर लो, लेकिन मैं अपना उपयोग स्वयं नहीं जानता। मैं सोच रहा हूं कि कभी मुरारी बापू भी किसी गांव की छोटी सी सभा में रामकथा कहते थे। विजय कौशल जी को तो मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है, अवधेशानंद जी को भी गलियों में गाते हुए देखा है। जब भारत माँ की कोख से पैदा होने वाले राम और कृष्ण की गाथा गाने वाले महान बन सकते हैं तो साक्षात भारत माँ की गाथा गाने वाला व्यक्ति कल का मुरारी बापू क्यों नहीं बन सकता। मुरारी बापू बना नहीं करते हैं, मुरारी बापू बनाया जाते हैं। हम सब इस एकल विद्यालय कार्यक्रम में लगे हुए कार्यकर्ता, मैं अपनी ओर से आग्रह कर रहा हूं सभी अंचल केंद्रों पर बाबा का कार्यक्रम हो और उस नगर के सब लोगों को भारत माँ के साथ जोड़ दीजिए। यही तो हमारी साधना है, हम इस देश के लोगों को धरती के साथ जोड़ने की साधना कर रहे हैं और मुझे आशा है कि सत्यनारायण का यह प्रयास हमें सहायता देगा और इसलिए मैं अनुमान कर रहा हूं कि वो भी दिन आएगा बहुत जल्दी जब विजय कौशल जी के समान इनके लिए बने हुए पंडाल छोटे पड़ेंगे। जब ये देश जानेगा कि राम की भक्ति जगाने वाला से अधिक भारत की शक्ति जगाने वाला महान होता है। हमने अभी राम की भक्ति जगाने वाले लोग देखे हैं, लेकिन उस भक्ति को शक्ति में बदलने की साधना वाले लोग संघ के संघ स्थान की तपस्या से निकलते हैं। एक संघ स्थान का संस्कार लेने वाला युवक इस देश में एक नई क्रांति ला सके, यही तो डॉक्टर हेडगेवार का सपना था। तो मैं आज बड़े भावुक मन से आपसे अपील कर रहा हूं कि 2-4-5 साल में हिंदुस्तान में सत्यनारायण एक संघ का स्वयं सेवक भारत माँ के साथ इस देश को जोड़ने वाला परिचय का नाम बनना चाहिए और इसके लिए आप सब राजकुमार जी से बात करिए, कार्यक्रम निश्चित करिए। आपके सामने इस कार्यक्रम का चलित परिचय देने के लिए आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था और अब
हर नगर में हम सत्यनारायण को बुला सकते हैं। इसने मुझे कहा है कि श्याम जी आप जहां कहेंगे जैसे कहेंगे मैं संघ का स्वयंसेवक हूं, मेरी कला इस भारत में समर्पित है, आप इसका उपयोग करें। मुझे बहुत खुशी है कि जिस दिन की कामना में 20 साल से करता आ रहा था वो आज हो गया। मैं उसका स्वागत भी करूंगा आपकी ओर से और ये आशा करूंगा कि अब 2-4-5 साल में मेरे सपने का सत्यनारायण आपको मुझे देना है।